अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एस साइकोलॉजी। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है स्ट्रूप इफेक्ट, जो जॉन रेडली स्ट्रूप ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये वो फिनोमिना है जिसके अंदर हम लोग कलर ऑफ वर्ड को पढ़ते हैं, ना कि नेम ऑफ वर्ड को। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ऊपर स्ट्रूप इफेक्ट लिखा हुआ है, इसमें हम लोग स्ट्रूप इफेक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम इसका कलर पढ़ेंगे ब्लैक। आगे देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट, उससे आपको ज़्यादा बेहतर तरह से समझ में आ जाएगा। सो ये जो जॉन रेडली स्ट्रूप थे, इन्होंने एक लिस्ट प्रेजेंट की थी अपने पार्टिसिपेंट्स के सामने, जिसके अंदर सारे के सारे कलर्स नेम लिखे हुए थे, लेकिन वो डिफरेंट कलर्स के साथ लिखे हुए थे, डिफरेंट कलर इंक के साथ लिखे हुए थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है येलो, ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक, रेड, ग्रीन, पर्पल। अब पार्टिसिपेंट्स ने इस तरह से वर्ड्स नहीं पढ़ने थे जैसे अभी मैंने पढ़े हैं, उन्होंने इन वर्ड्स के जो कलर्स थे वो बताने थे, लाइक ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो, ब्लू, ब्लैक, इस तरह से। अब जैसे मैं वर्ड्स स्टडी कर रही थी तो मेरी स्पीड काफ़ी फास्ट थी, लेकिन जब मैंने इसका कलर पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरी स्पीड स्लो डाउन होगी। अब इसका रीज़न क्या है, यही जॉन रेडली स्ट्रूप ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया था। तो ये आ गया एक्सपेरिमेंट, ये सारी थ्योरी वही लिखी हुई है जो भी पीछे मैंने आपको समझाया है उस इमेज के ज़रिए। सिंपल ये था कि जॉन रेडली स्ट्रूप ने अपने पार्टिसिपेंट्स को एक लिस्ट दी थी वर्ड्स की, जहाँ पे जो कलर नेम लिखे हुए थे और जिस कलर इंक के साथ वो प्रिंटेड थे वो दोनों डिफरेंट थी। पार्टिसिपेंट्स ने क्या करना था, रीड आउट करना था कलर ऑफ वर्ड्स को, ना कि नेम ऑफ वर्ड्स को। और रिजल्ट इसका क्या आया वो था कि रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो गया था। सिमिलरली जैसे पीछे जब मैं वर्ड्स को पढ़ रही थी तो मेरी स्पीड काफ़ी फास्ट थी, लेकिन जब मैंने उसके कलर्स पढ़ने स्टार्ट किए तो मेरी स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो गई। अब ये रिएक्शन टाइम इंक्रीज होने का रीज़न क्या था, ये जॉन रेडली स्ट्रूप ने अपनी दो थीरीज के जरिए एक्सप्लेन किया था जो अपने एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने दी थी। पहली थीरी थी स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग थीरी और दूसरी थी सेलेक्टिव अटेंशन थीरी। अब ये जो दो थीरीज थी ना, ये जॉन अंकल ने दी थी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेरेंस। पहली जो थीरी है स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, इसमें वर्ड से ही पता चल रहा है हमारी रीडिंग की स्पीड। वर्ड रीडिंग स्पीड जो होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू कलर ऑफ वर्ड रीडिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके जो स्टार्टिंग में इमेज मौजूद थी उससे, कि क्या आपकी स्पीड भी स्लो डाउन हुई थी। और सेकेंड है सेलेक्टिव अटेंशन, यहाँ पर इंटरफेरेंस इसलिए अकर हो रही होती है क्योंकि जो नेमिंग कलर हैं उसमें हमें ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू वर्ड रीडिंग, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग से जो अपब्रिंगिंग हुई होती है वो इसी बेस पे हुई होती है कि हम लोगों ने वर्ड्स को रीड आउट करना है। हम कभी भी वर्ड रीड करते हुए ये नोट नहीं करते हैं कि वो किस कलर के साथ प्रिंटेड है, और अगर नोट कर भी लेते हैं तो हम उस चीज़ को प्रनाउंस करके बताते ही नहीं हैं, हम सिंपल अपनी रीडिंग को फ्लो में रखते हैं। सो आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।